बिहार के सिवान में एक स्कूली बस हादसे का शिकार हो गई। घटना में बच्चों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में कई बच्चे घायल हो गए हैं, वहीं ट्रक के चालक की मौत हो गई है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस में 38 बच्चे सवार थे। इस हादसे में 4 बच्चे और 2 शिक्षक घायल हैं। घटना जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र में घटी है। उत्क्रमिक मध्य विद्यालय नौतन के बच्चे बस से मुख्यमंत्री शैक्षणिक परिभ्रमण योजना के तहत तो घूमने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान शालौर के पास सिवान बसंतपुर मुख्य मार्ग पर ट्रक और बच्चों से भरी बस के बीच टक्कर हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय थाना पुलिस पहुंच गई है। घायल बच्चों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा जा रहा है कि बस चालक अभी भी बस में फंसा हुआ है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद बस में चीख पुकार मच गई। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से चालक बस में फंस गया। उसको बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पर एम्बुलेंस की गाड़ियां भी पहुंच गई हैं, जिससे घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि पिछले महीने सासाराम में अनियंत्रित स्कूल बस ने एक छात्र को रौंद दिया था। तब नर्सरी में पढ़ने वाले छात्र लंबू कुमार की बहुत अधिक खून बहने से मौत हो गई थी।